अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम गया। तो आज की वीडियो के अंदर मैं Realme 7 Pro को Oppo F17 Pro के साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ। देखेंगे कि हमें कौन सी डिवाइस यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोनों डिवाइसेज की प्राइस ऑलमोस्ट पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सेम देखने को मिल रही है। इस हवाले से देखेंगे कि हमें कौन सी डिवाइस वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल रही है, किसके अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कौन सा अच्छा है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बाद में टाइम से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों डिवाइसेज के रिलीज डेट के हवाले से, अवेलेबिलिटी के हवाले से। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आपको दोनों डिवाइसेज अवेलेबल कर दी गई हैं, आप जाके परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बॉडी डायमेंशन पर नजर डाल लेते हैं। तो 160 मिलीमीटर की आपको हाइट दोनों के अंदर सेम देखने को मिल रही है, 74 मिलीमीटर की आपको विड्थ दोनों डिवाइसेज के अंदर सेम देखने को मिल जाती है, जबकि 7.5 मिलीमीटर आपको ओप्पो F17 Pro, जबकि 8.7 मिलीमीटर आपको Realme 7 Pro थिकनेस के हवाले से देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे स्लिम डिवाइस रखी गई है ओप्पो F17 Pro। वेट के हवाले से बात करें तो 164 ग्राम का वेट ओप्पो F17 Pro का, जबकि 182 ग्राम का वेट आपको Realme 7 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर बिल्ड के हवाले से बात कर ली जाए तो ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक आपको दोनों के अंदर सेम देखने को मिल जाती है, जबकि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको दोनों डिवाइसेज के अंदर सेम ही देखने को मिल रही है। दोनों डिवाइसेज के अंदर आपको ड्यूअल सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि Realme 7 Pro के अंदर आपको वाटर रिपेलेंट कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको थोड़ी बहुत वाटर की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है। डिस्प्ले के हवाले से अगर दोनों डिवाइसेस को यहाँ पे कंपेयर कर लिया जाए तो आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सुपर एमोलेड के पैनल देखने को मिल जाते हैं। 6.4 इंचेस के सुपर एमोलेड दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन ओप्पो F17 Pro के अंदर आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राइटनेस आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा 1080p की रेजोल्यूशन दोनों डिवाइसेज के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको Realme 7 Pro ऑफर कर रहा है, लेकिन Oppo F17 Pro के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं देखने को मिला। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 10 दोनों के अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, कलर ओएस 7.2 Oppo F17 Pro के अंदर, जबकि Realme UI का वर्जन 2.0 आपको Realme 7 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है। चिपसेट के हवाले से बात करें तो Helio P95 12 नैनोमीटर आपको Oppo F17 Pro ऑफर कर रहा है, जबकि Snapdragon 720G 8 नैनोमीटर बेस्ड आपको Realme 7 Pro के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे प्रोसेसर के हवाले से बात करें तो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर आपको Realme 7 Pro के अंदर देखने को मिल रहा है। 2.2 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर आपको Oppo F17 Pro के अंदर, जबकि 2.3 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर Realme 7 Pro के अंदर देखने को मिल जाएगा। GPU के हवाले से कंपेयर करें तो पावर VR का GPU आपको Oppo F17 Pro के अंदर देखने को मिल रहा है, जबकि Adreno 618 का GPU आपको Realme 7 Pro के अंदर देखने को मिल जाएगा। RAM और ROM आपको दोनों डिवाइसेज के अंदर सेम देखने को मिल जाती है, 8GB की RAM रखी गई है, जबकि 128GB का आपको यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जबकि डेडिकेट माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको दोनों डिवाइसेज के अंदर सेम ही देखने को मिल गया। इसके अलावा UFS 2.1 को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। कैमरा के हवाले से अगर दोनों डिवाइसेज को यहाँ पे कंपेयर कर लिया जाए तो आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस F-Aperture 1.8 के साथ Oppo F17 Pro के अंदर, जबकि 64 मेगापिक्सल का F-Aperture 1.8 के साथ वाइड मेन कैमरा लेंस Realme 7 Pro के अंदर देखने को मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप यहां पे आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहां पे आपको LED फ्लैश लाइट और HDR पैनोरामा के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 4K की वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड पे दोनों डिवाइसेस के कैमरा के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि 1080p की वीडियो 120 फ्रेम पर सेकंड पे आपको Oppo F17, जबकि 1080p की वीडियो 60 और 120 फ्रेम पर सेकंड पे Realme 7 Pro ऑफर कर रहा है। जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम ही देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो आपको सेल्फी कैमरा के अंदर Oppo F17 Pro ड्यूल सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कर रहा है, 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस, जबकि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर रखा गया, जबकि 32 मेगापिक्सल का F-Aperture 2.5 के साथ टॉप राइट कॉर्नर पे पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है Realme 7 Pro के अंदर। HDR पैनोरामा के फीचर्स मिल जाते हैं 1080p की वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड पे Oppo F17 के फ्रंट कैमरा के साथ, जबकि 1080p की वीडियो 30-120 फ्रेम पर सेकंड पे Realme 7 Pro के फ्रंट कैमरा के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है। जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा के अंदर आपको Realme 7 Pro प्रोवाइड कर रहा है। साउंड क्वालिटी की बात कर लिया तो Realme 7 Pro के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोनों डिवाइसेस के अंदर
आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको सेम देखने को मिल जाता है, जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी निकल के आती है। बैटरी के हवाले से बात करें तो 4015mAh की बैटरी ओप्पो F17 प्रो प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर 30W का फास्ट चार्जर वूक 4.0 देखने को मिल जाता है, जबकि रियलमी 7 प्रो के अंदर आपको 4500mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मजीद यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको वाईफाई ब्लूटूथ GPS और USB टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है, जबकि FM रेडियो आपको ओप्पो F17 प्रो के अंदर देखने को मिल जाएगा। इंफ्रारेड आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर नहीं देखने को मिल जाता है, जबकि NFC आपको रियलमी 7 प्रो के अंदर देखने को मिल जाएगा। मजीद यहाँ पे अगर दोनों डिवाइसेस को कंपेयर कर लिया जाए स्पीड वाइज, तो आपको रियलमी 7 प्रो के अंदर काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है, अंतु बेंचमार्क स्कोरिंग 2,78,000 प्लस देखने को मिल जाती है, जबकि ओप्पो F17 प्रो के अंदर आपको 2,07,000 प्लस की अंतु बेंचमार्क स्कोरिंग मिली है, जो कि काफ़ी कम स्कोरिंग है। इसके अलावा गीकबेंच स्कोरिंग की बात कर ली जाए तो आपको 1811 की गीकबेंच स्कोरिंग रियलमी 7 प्रो के अंदर देखने को मिल जाती है, जबकि 1400 प्लस की आपको गीकबेंच स्कोरिंग ओप्पो F17 प्रो के अंदर देखने को मिल जाती है। GFX बेंच की स्कोरिंग की बात कर ली जाए तो आपको 14 FPS की ऑन स्क्रीन स्पीड रियलमी 7 प्रो के अंदर देखने को मिल जाती है, जबकि 10 से भी कम आपको GFX बेंच की स्कोरिंग ओप्पो F17 प्रो के अंदर देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे रियलमी 7 प्रो के अंदर अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको चिपसेट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है। कलर्स के हिसाब से बात करें तो आपको मैजिक ब्लू, मेट ब्लैक और मेटेलिक वाइट तीन कलर है ओप्पो F17 प्रो के अंदर, जबकि मिरर ब्लू और मिरर सिल्वर आपको रियलमी 7 प्रो के अंदर दो कलर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर रियलमी 7 प्रो को ओप्पो F17 प्रो के साथ कंपेयर कर लिया जाए तो आपको बेहतरीन ऑप्शन रियलमी 7 प्रो देखने को मिल जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। दोनों के अंदर 8GB 128GB वाले वेरियंट मिल जाते हैं, तो आपको नो डाउट रियलमी 7 प्रो की तरफ जाना चाहिए। प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो आपको 50,000 प्लस की प्राइसिंग दोनों डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी कम प्राइस आपको ओप्पो F17 प्रो के अंदर देखने को मिल जाएगी, जबकि थोड़ी सी ज़्यादा 2,000 से 3,000 ज़्यादा प्राइस आपको रियलमी 7 प्रो ऑफर कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों डिवाइसेस में से कोई डिवाइस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको रियलमी 7 प्रो मैं रिकमेंड करूंगा। तो आप इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस की तरफ जाना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई अनबॉक्सिंग नए टेक रिव्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।